तो गाइस अभी एक भैया मिल गए थे, उन्होंने हमें वीआईपी पास से निकाल दिया। हमने वीआईपी पास से गए हैं, तो जो हमें जाना था कि हमें ना जल्दी थी, तो हमने बोला कितने ऑटो लगते थे, वैसे 10-10 रुपये, 10-10, 20-20 रुपये लगते थे, हमसे मांगे 200 रुपये, 200 रुपये देने पड़ेंगे ऑटो के। जी नमस्ते। तो हाँ जी गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू मी द ब्लॉग। तो अभी है हम प्रेजेंट में दिल्ली में, दिल्ली में अपने दोस्त यहाँ पे रुके हुए हैं, दिल्ली से फिर जाएंगे हम जयपुर। और आप लोग सोच रहे होंगे हाथरस के लिए सीधी रास्ता है, तो हाथरस के लिए हाथरस से क्यों नहीं गए, क्यों नहीं गए, क्यों बताया जाएंगे, हमारी फ्लाइट वो 8 बजे हमारी फ्लाइट है दिल्ली से, तो हम पहले जाएंगे, पहले हम दिल्ली आए, दिल्ली से हम जाएंगे एयरपोर्ट। अभी तो हम दोस्त यहाँ पे रुके, थोड़ा रेस्ट किया था, हम जल्दी आ गए थे, तुमने रेस्ट किया, हमारा नाइट की फ्लाइट है, अभी हमारी फ्लाइट है 8 बजे, तो अभी हमें 2 घंटे तो पहले पहुँचना होगा, बोर्डिंग करानी होगी, चेक इन करानी होगी, तो अभी बज रहे हैं 5, तो हम निकल यहाँ से एयरपोर्ट पहुँचेंगे तो 1 घंटा लग जाएगा, 2 घंटे पहले तो एयरपोर्ट पहुँचने ही चेक इन करना है। हाँ तो गाइस ये हमारे टीम के लड़के, ये 4 लोग हैं हम, और ये हमारे भैया रूम वाले जिन्होंने हमें रेंट पे रूम दिया था। हाँ तो गाइस अब हमारा टाइम आ गया है चेकआउट करने का, तो हमारा राजा भाई मिलते हैं जल्दी एक और ऐसी ट्रिप के साथ, टाटा बाय बाय। चलो हाँ वो तो राजा भैया। तो कैसे जब सुबह आए थे ना, तो लिटरली बता रहा हूँ इतना बॉडी में पेन हो रहा था, तो हमने यहाँ आके थोड़ा बहुत रेस्ट किया, दो तीन घंटे रेस्ट किया, जब थोड़ा आराम मिला है। हाँ मुकुल सर, रेस्ट मिला है नहीं, अब हल्का लग रहा है सर, ही हल्का लग रहा है आपको। अरे गाइस बहुत सीरियस बात थी, जो बात है ना वो वहाँ एयरपोर्ट पर जाकर बताऊँगा मैं क्या बात थी। अभी तो फिलहाल तो चलते टिकट अपनी वीआईपी पास निकल चुके हैं। तो गाइस अभी एक भैया मिल गए थे, उन्होंने हमें वीआईपी पास निकाल दिया, हमने वीआईपी पास से गए हैं। जाम ही आ जाए ना, तो हाँ जी मुगल जी फाइनली पहुँचने में कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे तो लगा फ्लाइट छूट ही जाएगी। अच्छा ऐसा लग रहा है, लिटरली बता रहा हूँ, मतलब ऐसा लग रहा था फ्लाइट छूटने वाली, मतलब एंड लेवल पर थी आप छूटने वाली थी। और ये देखो गाइस बाहर का व्यू देख रहे हो, अभी हमने इस बस में बैठे हैं, बस में बैठ के अभी हम एक ऐसी बस में बैठे हैं, और पालीवाली का तो दूसरा टर्मिनल था, हमारा टर्मिनल 1 है, तो यहाँ से अभी हम जाएंगे एयरपोर्ट तक जहाँ हमारा फ्लाइट खड़ाई हुई है। और ये हमारी टिकट भाई, तो गाइस देख रहे हैं सामने ये फ्लाइट खड़ी हुई है, कितना बड़ा भाई। तो ये बस है आने ले जाने के लिए, तो ये हमें फ्लाइट तो पता नहीं कहाँ खड़ी हुई है, तो ये जो बस है ना वो हमें छोड़ेगी। तो गाइस बस कुछ ऐसी है जो अपनी जिस बस में आए थे और जिसमें जा रहे हैं फ्लाइट, वो हमारी ये वाली है। ओ गाइस ये वाली देखो, लिटरली यार कितनी बड़ी है हमारी, तो ये वाली हमें इसमें जाना है। अंदर तो हमें क्या मिला, लगता है ये पानी के गिलास मिले, एक से तो पेट भरा नहीं, तो मैंने लिए थे 2 गिलास, और ये कुछ हमें मिनी मिला, ये पता नहीं क्या चीज़ है, मतलब इसके स्पाइस जेट के बारे में बताया गया इसमें, मैं तो पढ़ा नहीं इसके, मैं लगा था कुछ बढ़िया चीज़ होगी, लेकिन ये ऐसा देखा था मैं लग रहा था। तो जो गाइस हमारी फ्लाइट है वो टेक ऑफ होने जा रही है, ऑलमोस्ट 1-2 मिनट में सब चल चुकी है, ऊपर टेक ऑफ होने वाली है, इसलिए बता रहा हूँ धक धक हो रही है, सीट बेल्ट बांध रही है, सीट बेल्ट बंद रही है वैसे तो ऑलमोस्ट, बस लेकिन फिर भी डर लग रहा है भाई, एक बार बाहर से गाइस लिटरली मजे आ गए गाइस, अभी स्पीड में तो हो गया है नाउ दी ऑटोमेटिक लाइट दैट यू विश टू थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग लाइट लाइट कनेक्ट होंगे पैनल अबाउट यू थैंक यू।
पहली दफा बाइक है ली। ओ भाई कैसे ऊपर जाते जा रहा दिख रहा है ना, ऊपर जा रहा भी। और तो गाइस आपको लग रहा होगा ना ऊपर ऊपर की ओर जा रहा दिख रहा है ना, दिख रहा है ऊपर की ओर जाता जा रहा हूँ। कितनी ऊंचाई है गाइस दिख रही है, मेरे ना यहाँ सर पे ना थोड़ा दर्द सा होने लगा था, पता नहीं क्या यहाँ पे दर्द। मैंने दो तीन ग्लास से पानी पी लिए तो मैंने मैम से और मांगा, मैम पानी और दे दो। तो मैम आगे पता क्या कहते हैं, लो बोतल ले लो। मैम ने मैम बोली गई तो गाइस इसका कोई चार्ज नहीं है, फायदा पूरा ले रहे हैं। अगर पैसे दिए हैं तो पूरा फायदा है गाइस। तो गाइस चाय भी मिल रही है, सोच रहे हैं चाय की बोल दें यार, कब चाय मिल जाए। सुबह से चाय नहीं पी है तो एक ग्लास चाय मिल जाएगी ना, मजे आ जाएंगे। बस बोल के देखते हैं चाय मिल जाए तो। मैम देख रहा है, मैम प्रोवाइड करा रहे हैं सारे लोगों को पानी चाय जो भी है। तो वैसे मन कर रहा है कॉफी का, तो ये दिख रहा है ना ऊपर रेड चल रहा है, देखो ये चल रहा है ना ऊपर रेड रेड दबा तो दिया है। और जो मैडम है ना आने वाली है, एक दो मिनट में आ रही है सामने से। थैंक यू सो मच मैम फॉर हेल्पिंग अस। सो गाइस फाइनली जयपुर उतर चुके हैं। गाइस देख रहे हो भाई, व्यू देख रहे हो, अलग ही है, अलग ही लेवल का भाई। गाइस फाइनली उतर तो गए हैं और ये है एयरपोर्ट। तो अभी हम जा रहे हैं अपने रूम के लिए, यहाँ हमारा रूम है ना, मतलब रूम उसके लिए आएंगे। बाहर से निकल के ऑटो वगैरह देखेंगे, देन अपने रूम पे जाएंगे। अभी भैया ने बताया इधर साइड से निकल जाओ, इधर साइड से निकलोगे ना तो जैसे आप बाहर निकल जाओगे। तो गाइस अभी ना मुझसे पूछ रहा भाई आप टैक्सी लोगे, मैंने बोल दिया ले लो टैक्सी। नो भाई नो 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 डी। तो हम बाहर निकल के जा रहे हैं, बाहर से हमें ऑटो मिलेगा। ये ऑटो जो जितने जो अंदर एयरपोर्ट के जो टैक्सी वाले होते हैं ना, बहुत पैसे लेते हैं गाइस, सच बता रहा हूँ। कभी भी आओ तो जो अंदर टैक्सी वाले होते हैं ना उनके साथ कभी भी मत जाना। बाहर निकल के एयरपोर्ट से जैसे बाहर निकलोगे तो आपको ऑटो वगैरह मिल जाएगा, वहाँ से कर लेंगे बार को। लेकिन इसमें कभी हम दोनों इतने पैसे मांगते हैं, अगर ऑटो में लग रहे हो 30 रुपये तो मांगे 400 रुपये 500 रुपये। क्यों क्या बता रहा हूँ, अभी ये हमारे साथ हुआ तो जो हमें जाना था, क्यों हमें ना जल्दी थी तो हमने बोला कितने ऑटो में लगते थे वैसे 10-10 रुपये, 10-10, 20-20 रुपये लगते थे, हमसे मांगे 200 रुपये, 200 रुपये देने पड़े हैं ऑटो के। तो गाइस अभी ना फिर से मेरे साथ सीन हुआ क्या, जो जो हमारे हमें जाना था अपने रूम पे जाना था, तो मैंने पूछा चलोगे, तो हमें जाना था कहाँ जाना था, हमें कहाँ जाना था मुगल जी, हमें जाना था प्रताप नगर। प्रताप नगर मैंने पूछा कितने रुपये, तो बता रहा 350 रुपये लगेंगे। मैंने कहा कितने किलोमीटर है, तो कह रहा
20 किलोमीटर है, तो मैंने मैप पे डाला तो मैप पे बता रहा है, मैप पे बता रहा है 5 किलोमीटर दूर। यहाँ की ये चालबाजी गाइस। तो गाइस हम अपने फाइनली अपने रूम पे पहुँच गए जहाँ हमें जाना था। तो ये हमारा रूम, ये पालीवाल जी की फ्लाइट लेट होगी, तो पालीवाल जी अभी आए थे सर, बहुत ही ज्यादा लेट होगी खाना के साथ, बहुत ही ज्यादा लेट होगी सर, मतलब 9:25 सर 10:00 भाई क्या बात है, क्या ओ भाई 11 बजे ताका भाई, ओ भाई देखा तो कुछ नहीं ना पैदल। तो ये हमारा बेड, तो अभी तो हम खाना पीना खाते हैं और रेस्ट करते हैं और फिर भी और हाँ अब ये जो कल वाले व्लॉग है उसको नेक्स्ट व्लॉग बनाएंगे, बस ये लोग यहीं तक, अगर व्लॉग पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को लाइक करना, मिलते हैं। तो गाइस हमारे साथ एक सीन हो गया, सीन क्या हो गया था, हमारी जो फ्लाइट थी वो हमारी फ्लाइट थी 8:10 की, तो हम जो घर से निकले, हम घर से निकले थे 5 बजे, 5 बजे निकले, हम निकले थे 6 बजे, 5:30 निकले थे, आधे घंटे में हमें मेट्रो तक पहुंचने में लग गए, तो हम पहुंचे मेट्रो तक हम पहुंच पाए 6 बजे तक, 6 बजे पहुंचे बाद हमें जाना था टर्मिनल वन पे इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जाना था हमें। तो लेकिन जो मेट्रो ने हमें पहुँचाया था अप्रोक्स हमें ले लिया था 1 घंटा ले लिया था हमें, इधर से उधर घूमने में 1 घंटा लग गया था हमारे साथ, और फिर हमें अंदर जाने में एयरपोर्ट एंट्री करने में ना हमें लगा, हमारे पास मिनट बची थी अप्रोक्स 40 मिनट बची थी, अगर हम वैसे लाइन में लग के जाते ना तो हमें लग जाता बहुत टाइम। तो एक अंकल थे वो हमें मिल गए, उन्होंने क्या किया हमें VIP पास से अंदर एंट्री कराई, उन्होंने फटाफट से ना हमें वहाँ तक पहुँचा दिया जहाँ तक हमारी फ्लाइट थी, और अगर उन अंकल के वजह से बच गए, अगर कोई और होता ना, अगर हम जाते लाइन में लग के तो हमें फ्लाइट छूट जाती। हाँ तो बस यही था आज के ब्लॉग में।